तो आज है संडे और अभी बजे है सुबह के 8। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि आर्यन को लेके उसके स्केट क्लब जाना है। वैसे तो हर रोज मिथुन ही जाते हैं, पर आज मैं जा रही हूँ साथ में, इसलिए कि उसके पास एक सब्जी का एक छोटा सा शॉप है, तो वहां से मुझे कुछ सब्जी लाना है। एक्चुअली कल हम गए थे शॉपिंग करने मॉल में, पर वहां पे कुछ चीजें मुझे नहीं मिला, तो मैं सोच रही हूँ कि वहां से ले लेते, क्योंकि शॉप थोड़ा छोटा है पर बहुत सारा स्टॉक है वहां पे, तो इसलिए उन लोगों के साथ आज मैं भी जा रही हूँ। तो आर्यन भी तैयार है और उसका स्केटिंग का सामान भी उसके साथ है, और मैं भी तैयार हो गई हूँ, पर मिथुन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। वो पहले तैयार हो जाए उसके बाद हम निकलेंगे। तो अभी कुछ देर में हम निकलने वाले हैं, तो मैं सीधा आपसे मिलती हूँ कार में। सैटरडे संडे एक्चुअली 2 दिन ही आर्यन का स्केटिंग का क्लास रहता है, पर कल नहीं था क्योंकि कल बैंगलोर में बहुत बारिश हो रहा था, तो इसलिए क्लास कैंसिल हो गया है। तो आज तो बहुत अच्छी तरह से धूप निकला है, तो शायद आज होगा। ये है आर्यन का स्केट क्लब। शॉप जहाँ पे मैं आई हूँ, और सब्जी का ये स्टोर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा कार है। एक्चुअली यहाँ पे पार्किंग का भी बहुत प्रॉब्लम है, पर बहुत वैराइटीज मिलता है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं कि कितना सारा स्टॉक है। मतलब संडे और संडे को आया है ये सब स्टॉक, बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स मिलता है यहाँ पे। तो आज मिथुन बनाने वाले हैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए सब कुछ उसने पहले से रेडी करके रख दिया है, और जस्ट थोड़ी देर पहले हमने वो शॉपिंग करके हम घर लौटे, और उसके बाद उसको तैयारी में इतना टाइम लग गया। अभी वो बना रहे हैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम तो वैसे ओवर हो चुका है क्योंकि अभी 10:30 बज गए हैं, फिर भी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही, और जो भी बनाते हैं हम लोग खा लेंगे, सो नो प्रॉब्लम।
तो दो पोच ऑलरेडी बन चुका है एक्चुअली, मेमोरी कार्ड का जो कैपेसिटी था वो बिल्कुल मतलब फुल हो गया था और इसलिए मैं ये शूट नहीं कर पाई, तो अभी और एक बाकी है वो अभी कर रहे हैं। तो ये इतना भी बुरा नहीं बना वो ठीक ठाक ही बना लिया है, अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो अभी वो सॉसेज फ्राई कर रहे हैं और ये ऑलरेडी मसाला सॉसेज है, पर उसके ऊपर भी ये थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। तो ये सबके भी उसी का आइडिया है, पेपर सॉल्ट ये सब तो अच्छे ही लगता है। लेकिन मैं थोड़ी बहुत गाइड कर रही हूँ क्योंकि पहली बार बना रहे हैं। तो अभी आप मिथुन बना रहे हैं सैंडविच, वेज सैंडविच मायो के साथ, और वो रहा मेरा सैंडविच मेकर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वहां पे ये टोस्ट होगा, मैं दो रॉ का जूस लाई हूँ और वो है मैंगो में, और मैंगो जूस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है और ये मौसमी का जूस बहुत लाइट होता है। तो मैं रॉ में मौसमी का जूस वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने मिल्क मीट का लाई हूँ। और आर्यन और उसके पापा मैंगो जूस लेंगे।
तो ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय आर्यन्स डैडा। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो शायद ये ब्रांच बन गई है, ब्रेकफास्ट नहीं ये ब्रांच बन गया। और ऑब्वियसली अगर आज हम कुछ लंच में लेते भी हैं तो वो बहुत लेट लेंगे क्योंकि इसको खाने के बाद हम लंच तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। वैसे भी आज मैं एक फ़िश रेसिपी देने वाली हूँ, मेरे कुकिंग चैनल के लिए बनाने वाली हूँ, तो उसको भी मुझे पोस्ट करना है। तो वो अगर हम हो सके तो लंच में लेंगे और नहीं तो मैं बना के रख दूँगी, हम डिनर में लेंगे। और ये रहा वो सारे सब्ज़ी जो मैं आज ख़रीदा है, और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी है क्योंकि वो एक ही शॉप से हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों ही लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मतलब इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल सही लेता है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलता है और बिल्कुल फ्रेश मिलता है। अगर संडे को उस शॉप पे जाते हो तो बहुत फ्रेश मिलता है। उस टाइम में जस्ट वेजिटेबल और फ्रूट्स का जो टेम्पू था वो आया था और डिलीवरी करने के लिए, और बहुत सारा सब्जी चारों तरफ मतलब ऐसे थे कि जो भी मैं देख रही हूँ लगता है वो भी मुझे लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये वेस्ट हो जाता है। एक्चुअली इतना फ्रिज में स्टोर करके रखना भी पॉसिबल नहीं होता और इतना कौन खाएगा, तो इसलिए बस जितना ही ज़रूरत थी उतना ही मैंने ले लिया। तो गाइस आज मैंने अपने लंच के लिए बनाया है फ़िश मसाला। ये सीयर्स फिश है जो सैटरडे मैं मार्केट से लाई थी, आपको मैंने दिखाई थी भी, तो ये है वो फ़िश। और इसके साथ मैंने बनाया है राइस, प्लेन राइस। और इसका मैंने मेरे जो नया कुकिंग चैनल है फूड फ्रॉम इंडिया, उस चैनल के लिए इस फिश रेसिपी का एक वीडियो बनाया है। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मेरे उस चैनल पे आप जाइए और जाके इस रेसिपी को देखिए, और उसके बाद ये कैसा बना है, आपको कैसा लगा ये तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये रहा मेरा आज का लंच, अभी हम लंच करने वाले हैं। और बहुत दिनों से मिथुन का मन था कि वो बनाना लीफ में खाना खाएंगे तो हमें नहीं मिल रहा था, तो आज जब वेजिटेबल शॉपिंग करने गए थे तो वहाँ पर हमें बनाना लीफ मिल गया, तो आज हम बनाना लीफ में लंच करेंगे। तो अभी अभी मैं नहा के आई हूँ, एक्चुअली लंच के बाद बहुत सारा काम था पेंडिंग और मैं सैटरडे को कुछ भी काम नहीं कर पाई क्योंकि मैं हाफ डे तो बाहर ही थी, तो इसलिए संडे भी थोड़ा सा बिजी थी, मतलब आर्यन को लेके बाहर जाना, उसके बाद थोड़ा सा सब्जी खरीदना, उसके बाद मैं लेट से घर आई, फिर मिथुन का ब्रेकफास्ट बनाना, तो ये सब चीज़ों के बीच मैं अपना घर का काम ही भूल गई कि क्या क्या मुझे करना है। तो लंच के बाद मैंने बहुत सारा काम किया एक्चुअली, तो उसके बाद मैं अभी जाके नहा के आई हूँ और अभी बजे है 5, शाम के 5 बजे है। तो अभी मैं आ गई हूँ हमारा कॉफ़ी पीने, मतलब कॉफ़ी बनाने एक्चुअली, तो अभी मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, उसके बाद हम दोनों मिल के कॉफ़ी पियेंगे और फिर आर्यन को पढ़ने बिठाऊंगी क्योंकि कल 4th है, यानी कि कल मंडे है, कल से आर्यन का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, कल है उसका साइंस का एग्ज़ाम, तो ऑलमोस्ट वो रेडी है, मतलब एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ेगा ऐसा तो नहीं होता, वो कम्प्लीटली रेडी है, पर फिर भी बच्चा है तो कॉफ़ी पीने के बाद मैं आर्यन को पढ़ने बैठूँगी, तो अभी कॉफ़ी बना लेते हैं। आज जब मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से ये नेस्कैफे का चोको मोचा मैं लाई थी वहाँ से, तो अभी हम इसे बनाएंगे। इसके साथ मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी मिल्क और शुगर है और कॉफ़ी तो ऑब्वियसली होगा, और सिर्फ हॉट वाटर, यानी उसको बॉयल नहीं करना है, सिर्फ हॉट वाटर के साथ इसको फुल पैकेट मिक्स करना है 120 ml वाटर के साथ, और फिर अच्छे से इसको स्टीर करना है, फिर ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। अभी हम दोनों कॉफ़ी पी रहे थे, जब वो किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे थे तब मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई क्योंकि वो तब बहुत बिजी थे, वैसे भी बहुत कम वो किचन में जाते हैं,
बेंगलुरु में आने के बाद शायद दो या तीन बार हमें खाना बना के खिलाए हैं, कभी चिकन चिकन ही शायद बेशक चिकन ही हमने बनाए हैं, ज़्यादातर चिकन ही बनाए और आज ब्रेकफास्ट पहली बार बना रहे, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो डिस्टर्ब हो, तो ये मेरा हस्बैंड। एंड गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने मेरा मुझे बंगाली लुक्स में, मतलब प्योर बंगाली लुक्स में देखना चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं साड़ी में, प्योर बंगाली जो गेटअप होते हैं उसमें। तो मैं आपको बता दूं कि साड़ी मेरे पास नहीं है, और शाखा जो बंगाली है, बंगाली से वो तो समझ जाएंगे कि शाखा सिंदूर पोला ये सब मेरे पास यहाँ पे नहीं है। हाँ, सिंदूर तो है, वो मैं लगाती हूँ, पर फुल बंगाली गेटअप जो है वो मैं जब कोलकाता जाऊँगी तभी आप मुझे देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरा सब कुछ है, पर यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं लाई हूँ। आप लोगों का बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने रिसीव किए हैं कि जहाँ पे आप लोग मेरे गोवा के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, कि एक्चुअली मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई वहाँ पे, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा कि जितना हम सोचे थे कि गोवा जाके ये करेंगे वो करेंगे, हम मैं हर एक दिन का मैं ब्लॉग बनाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत बारिश हो रहा था, मतलब बहुत बारिश, हम घूमने नहीं जा पाए, बस समुंदर में मतलब बीच में थोड़ा सा एंजॉय किया, बस इतना ही। वहाँ पे कैमरा तो दूर की बात थे, हम हमारा मोबाइल भी होटल पे छोड़ के उसके बाद जाते थे, तो कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। मतलब बेंगलोर से लेके गोवा तक मेरा जो जर्नी है, मतलब गोवा के होटल रूम तक मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट किया है, छोटे छोटे क्लिप्स ऐसे मैंने कुछ शूट किए हैं, तो मैं सोच रही थी कि ये सारे क्लिप्स को जोड़ के मैं एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत मुझे प्रेशर कर रहे हो, और ये सब को एक साथ जोड़ के वीडियो बनाना, और वीडियो अगर बन भी जाए तो वो भी बहुत छोटा ही वीडियो होगा शायद, तो अभी देखते हैं, अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपके लिए ज़रूर पोस्ट करूँगी, पर नेक्स्ट वीक में, इस वीक में नहीं होगा, नेक्स्ट वीक में मैं करने की कोशिश करूँगी। और आप सब जैसे कि जानते हैं कि मैं बंगाली हूँ, तो आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपना दुर्गा पूजा के ब्लॉग्स बनाऊं, तो एक्चुअली मेरा भी ऐसा ही कुछ प्लानिंग है कि मैं दुर्गा पूजा में एटलीस्ट दो फुल डे का वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने कुछ प्लान किया है। एक्चुअली अष्टमी और नवमी ये जो दो दिन है, ये दो दिन हम बाहर जाएंगे पूजा देखने, और उसके बाद होटल में भी मतलब थोड़ा कुछ डिनर का प्लानिंग है, तो ऐसा कुछ हमने एक्चुअली प्लानिंग किया है मैं और मिथुन ने, प्लानिंग ऑलरेडी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इन सब चीज़ों का एक वीडियो बना लेती हूँ। अगर इससे पहले पॉसिबल होता है तो मैं अपना पूजा का शॉपिंग आपको दिखा दूँगी, और अगर नहीं पॉसिबल होता तो उस टाइम में जब मैं बाहर निकलूँगी पूजा के टाइम में, तो तब मेरा फुल ड्रेस, मेरा मेकअप सब कुछ मैं आपको, मतलब मेरा शूज़ ऐसा मैं दिखाऊँगी। एक्चुअली मैंने 3 शूज़ लिए हैं, बस यही था। और पूजा के ब्लॉग तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और आई एम श्योर कि आप भी वेट कर रहे होंगे कि, पर फिलहाल तो अभी मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, तो तब तक लिए बाय बाय।